सारा समीप बैठा है। हूँ भी कुछ सीखने तैयार नहीं, बहुत पुरातन समय क्योंकि अब का जो समा है उसी सामने बैठी हुई है। बखरी बात है, तुसा मैंने बुलाया, लेकिन मेरा गिनती मिनती वाला कोई काम मैं सीखे ही नहीं है, समा नहीं है। क्योंकि जो विद्वता जिन्हें साइंस की थ्यूरी के नाल प्रैक्टिकल किया हो साइंस को पास हो जाता है। साइंस के दो सब्जैक्ट होते हैं, थ्यूरी और प्रैक्टिकल, दोनों के बीच एक तो फेल हो जाए पूरी साइंस तो फेल हो जाता बच्चा। फिर मैं तो अपने आप में किसी पास भी नहीं समझता। गुरु संगत जी, भाई साहब हरमित सिंह जी, जिनके प्रति मैं जितना भी कमा उतना थोड़ा है। बेटे बैठे उन्होंने बबलू जी इंग्लैंड का, क्योंकि मैं एक बार समा मिलया जान का, उसे तो मेरा ऐसा समा बन गया साथियों को भी जाना मिले। तो तपले वाला बबलू जी बलप्रीत के नाल वो मेरे नाल बच्चा चले गया, फिर ड्यूटी लगी हुई। मैं क्या कर दी, कहते भाई साहब तुहाडे मतलब का साथी नहीं है। मैं क्या कर लिया, मैं कह रहा कोई गल नहीं, तुम भेज दो मैं चला ला। गुरु संगत जी, मैं हमने ग्वालियर होके आया जिथे धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पातशाह जी की चरण छ। मैं माफ करना, ग्वालियर ज्यादा पवित्र भी नहीं है जे मैं पवित्र का दर्जा देव। जे पवित्र होंगे तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पातशाह नज़रबाद ना करता जाते। पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज चरण पैण के नाल पवित्र हो गया। ऐसे वर्ष मान से जोड़े 52 राजे सन गुरु जी तो हो गए तो उन्होंने नाल आए सन। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने पर पुकार किया, पर उन्होंने राजे की जी अगे औलाद से ना चल के उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के नाल जंग की सी। एक बार प्यार लाख हो सकता, फिर उस तो बाद दास गया उस्ताद तन सिंह साहब अकबर बादशाह के दरबार में गायन करने वाला। कहते हूँ कुछ धर्म दिया गल लग गई, कुछ संगत जी तू कौन है, तेरा को धर्म है। मैं तो कई बार बड़ी दिक्कत जी हो जाती है भी अमृतधारी में गोत मिला लग जाते हैं। तो कहते सरदार जी की गल करी जा रहे हो, सिखा गया सिख गोत गत की होंगे कौन है सिख। तो तान सिंह साहब इस्लाम मतलब उन्होंने जोड़ा गुरु अगे पंडित स्वामी हरिदास, तो जे हरी स्वामी हरिदास का गुरु देख लो तो भाई बरदान एक और गति है कुछ सपना। पर उस ने एक बहुत वधिया बात की है, उन्हें बहुत सारिया गल्लां सारी चंगिया की हैं, पर उस सेहत के गुरु ने कई चंगिया गल्लां कीतियां ने, एक तो लैके 18-10-20 तक। पर एक अखर हर मन बसत नानक तो दुनिया का पहली की है। दिमाग के प्रवेश तो चले जाए, जिन खोजा तिन पाया, तो जिन्हें खोजिया इन्होंने पाँव की है। गुरु संगत जी है बच्चे बैठे हैं उंगलों के उत्ते जुड़न वाले सिर मारने वाले, क्योंकि समझ गए भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी मिले सन पता नहीं कि कोने, क्योंकि कोने च बहुत बहते ने। गुरु संगत जी बड़ा सुभाग मैं प्राप्त होया पलो पलोरे कीर्तने। एक बार सानू बड़ी प्रॉब्लम हुई जो असी बलप्रीत को उस पलो पलोरे कीर्तन चो दास ने उसको सिलेक्ट किया। तो एक बच्ची आ गई सी छोटी जी उम्र का तकाजा, तो सोटी साहब कहने लगे भी उम्र तो 13 साल की भी इन मैं कर लिया। जोनपाल पोप ने एक गल कही सी जो असं मिले उस, वो कहने लगे साडा जोड़ा प्रीचर है वो 30 साल पढ़ता 35 साल पढ़ाई करता है, फिर जाके वो प्रीचर बनता है पादरी बनता है।
कहते सिख जगत की विलक्षणता है भी इन्हों का पांच साल का ही पादरी होंगे गजकिया कोई समझ क्यों जी। मैं पांच साल का बच्चा देखा दपला मैं क्या बेटा कितों सीखिया कहते सीखिया नहीं माफ करना कि जब तक एक बार गुलाम अली साहब आ रहे सन तो उन्होंने किसी ने क्या कहता उस्ताद जी बड़ा रियाज किया है कहता रियाज करने से गाया नहीं जाता। रियाज भी करना बड़ा जरूरी है पर जब तक अल्लाह की रहमत ना हो उसको कहता गुरु नानक साहब ने गाया तो कहता बंदे के गाने से गुरु नानक साहब के गाने च अंतर है क्योंकि बंदा बंदे लिए गाता गुरु नानक ने अपने प्रभु के गाने लिए गाया गुरसंगत जी क्योंकि मैं साथी जी अपने वर्गी रखता बड़े वधिया मेरा साथ देते हैं क्योंकि मैं दिल्ली तो आया दिल्ली तो दिल्ली आई है क्योंकि 30 साल दिल्ली मैं रह के आया तो 4-5 साल हो गए मैं उसे पर मैं हले तक समझ नहीं आई मैं बस वो तुम आप अंदाजा लगा लो भी मेरी हालत की होगी। तो भाई साहब भाई हरनेक सिंह हमने मैं भाई साहब मिले कहते जी मैं भाई साहब को हरनेक सिंह जी को 125 दमड़े से मैं सेवा की और कितने कि विलखण का दस रहा है हरनेक यानी सत सिंह उसमें साहब जी कहते हैं हर बात दसन के विषय होता है पर कहता बहुत घट बंदे होंगे ने जो अपने नाम के उत्ते पूरे उतर नहीं तो बंदा अपने नाम से पूरा नहीं उतरता। मैं माफ करना किसी के नाम निर्वैर सिंह हो पड़ोस तो जाके पता कर मेहरबान सिंह होहरबान तो एक ही है कौन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह मेहरबान जतन करते तो गुरु संगत जी तुसा मेरे कृपा की ऐसी आहान शख्सियत मैं कीर्तन नहीं करना है तो नहीं मैं सुना कुछ भी मैं सिर्फ ऐसे महापुरखों की महापुरखों का जिन्होंने छत्र छाया है शायद मैंने भी जिंदगी का सफर क्योंकि 15 फरवरी में पूरे 70 साल का होना गुरु संगत एक कुछ गज के आपको सपना पर गुरु संगत जी हले तक कोई समझ नहीं आई क्योंकि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा से अपने शिगिरद हूँ तो शिगिरद करते हैं कि फटाफट मैं शब्द कढ़ाओ चार तो जाके मैं टीचरी से कैसेट कराऊंगा तो फिर मेरे घर में कह दी जरा आप बोल देना जी बे बहुत मैं क्या बेटा मैं तुम जानते मैं तेरे बारे बोला की बोला तेरे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब टह रहे सन शिगिरद ने कहा कहते उस्ताद जी भी जितना संगीत उसी गा लिया हंडा लिया भी थोड़े तो बाद संगीत खत्म हो जाता है। कहता बेटा ये बहुत मुश्किल की बात करी है तुमने कहते कद समा दे तो मैं तेन जवाब देवगा लैस है बच्चे बैठे ने जोड़े जोड़े तपले के उस्ताद होंगे सन वो दो दो साल तक तपला ही चुकाते रहते कपड़े धोने सेवावान करानिया हूँ तो सिगिरद कहता उस्ताद जी अपने कपड़े धोया तो मेरे भी साबुन ला दी एक दिन शामा हुई गुरसंगत जी जब तक भजन बंदगी नहीं है जदों तक नितनेम नहीं है तो शब्द का भी गायन नहीं हो सकता करके आपको पड़चोल कर लिख रहा क्योंकि मैं भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी हथों मिल सकिया 5 साल की उम्र आ बाहर फोटो लगी ना तस्वीर और तस्वीर तो डरी जाते हैं हर दो मैं थापड़ा देकर कहा कहते जुझारू आ गई तो जदों तक संतान की असीस नहीं होनी बख्शिश नहीं होनी उदों तक कुछ नहीं हो सकता बिठा लिया कि संध्या क्योंकि संगीत ही परमात्मा का नाम है बेटा बेटा कहता तू एक दिन गल कही कि इतना संगीत इतनी विद्वता भी थोड़े तो बाद संगीत खत्म हो जाता कहता हाँ गुरु जी कैसे कहते बैठ संध्या का बेला जो भी राग होगा मधुबंती इता तुखारी पढ़ रहे हो पानी भी हथ मारे दरिया सिबो समुद्र तो हथ पाया तो तुसा जिन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की तस्वीर देखी होगी वो गायक घट लगते भलवान ज्यादा लगते एडा
मेरे दो हथा जिडा उन्होंने हाथ से ते उंगली पानी पाई तो उंगली नू पानी की बूंद लगी तो थले हथेली रख ली तो शगिर्द नू कहंदे बच्चे नू कहंदे बेटा की क्या है कहता गुरु जी ये आपकी उंगली को बूंद लगी है पानी किसकी कहते समुद्र की कहते बेटा तूने आज से एक महीने पहले एक गल कही थी कि तुहाडे अगे संगीत खत्म हो जाता कहता बेटा जो संगीत है ना वो समुद्र है ते जिहड़ी इस उंगली नूं बूंद लगी है वह गुलाम है बस जो इतनी विनम्रता आ गई इतनी निम्रता आ गई फिर उस्ताद बन जाता एक साल कीर्तन करके तबला बजा के उस्ताद नहीं बनता तो कोई प्यार ना करो सतन मैं माफ करा क्योंकि मेरे सिद्धियां पदरी से गलों होंगे क्योंकि महापुरखों ने संगत की है तो गल सीधी पदरी करनी चाहिए छुपा के क्यों करनी तो गुरु कृपा का कहना बख्श मेरे अजीत संदीप सिंह मैं कई बार कहना भी जो मैंने देखता वही कहना भी भाई साहब देख के कीर्तन शुरू किया भाई साहब ने देख के कीर्तन शुरू किया फिर चलो किया पर सुन कमाल जिनी मैं तारीफ करवाई थोड़ी तो इन्हों का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने मैं आप जी के दर्शन कराए इस थ्रू तो आओ बड़े प्यार के नाल एक शब्द मैं आप जी शब्द कराना है जो निर्मल सिंह जी खालसा उन्होंने मेरा शब्द किया संदीप सिंह से भी होया भाई निर्मल सिंह जी खालसा कुरक्षेत्र वह भी यहोजी सुरीलिया चीजा बड़ा लभ लभ के बुलाते हैं तो वह शब्द मैं तुम्हें आप जी ने शब्द कराना है साधन अड़ा मेरा साधन अड़ा निकट खलोड़ा मेरा साधन अड़ा तकरीबन मैं दो महीने की थकावट है तो ठंड का भी मेरे से पूरा असर है तो महीने से मैं इंसान अंदोलन भी रहा तो अरदास करता महाराज मेहनत जी बार आ जाए तो बाकी सफर की है तुम्हें पता रागी सिंह तो ये थकावट लै जाती है पर तुम वेख के क्योंकि मैं थोड़े वर्गा हो गया गुरु कृपा का अवशा हो गया Oh,
रहन दिया गुरु गुरु शासन नहीं, क्योंकि जो असी कीर्तन करते साढ़े भाई साहब भाई जिंदर सिंह सिंगापुर वाले पछदेव सिंह जी आप जी पिछों भी जानते हो कि भाई जिंदर सिंह सिंगापुर वाले जो कि कीर्तन कर देंगे ऐसी आवाज लगाई परमात्मा कह उदों इतना राजे सिंह का बोल बादल सीधे है पर हूँ तो साढ़े तो तैयार करते हैं अज संगीत का युग है असं कर जो करना इस वक्त गुरसंगत संगीत का युग है और कीर्तन का युग है और कई मैं कहते हुए कहते भाई साहब जी आ थोड़ा जा पिछों थोड़ी मेरे कृपा करनी थोड़ी जी कृपा करनी ऐसी मैं बड़ी दिक्कत हो जाती है मैं गुरसंगत जी एक बार दिल्ली कीर्तन कर रहा सी IPS डिप्टी कमिश्नर पुलिस कीर्तन कर रहा सी बीबिया ना चुप होना भी कह लिया चुप करो मैं बाबा जी कीर्तन कर रहे मैं क्या थोड़े को चुप होने मैं चुप करवा मैं करा दी चुप मैं क्या थोड़ा पुलिस स्टेशन नहीं है जी गुरुद्वारा है आराम बैठो कुछ होर लगे ना क्या गया फिर मैं पौने दो घंटे कीर्तन किया किसी भी सारी बात नहीं है तो किसी ने कोई काम पै गया मैं उन्होंने कार्ड का दे के अपना भेजता मैं जाओ उठे चले जाते गुरसिख बंदे से सारे पुलिस वाले से सारा किसी भी देख लो साढ़े च भी कई बस वाहगुरु का बस कृपा करे सारे ही गया तो जो उन्होंने को चले गए तो उन्होंने मेरी तरफ करा लिये डिप्टी कमिश्नर कहते हैं तो मैं तेरा करता है और जो बाबा जी ऐसा ना पौंटा साहब जी हैड तो इन्ना बंदा सी ऐसा दबका मारिया साढ़िया जनानियां सब उन्हें डर गई कि उन्हें नहीं बोलन दी गई और गुरु संगत जी कीर्तन से तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए जो सिख संगत बात अलग है सो सिख नर्क बनी को जा है यह कोई फिल्मी धुन नहीं है फिल्मी गाना नहीं है तो जो कोई फिल्मी धुन के उपर भी कोई कीर्तन कर दे ना तो मैं माफ करना हूँ मैं गल नहीं करनी क्योंकि उन्होंने छे छे महीने लगा देने क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से तीन साल मान भी है रब रूह मोहम्मद रफी साहब के नाल मैं थोड़ी संगत करने का अवसर प्राप्त हो गया तीन तीन महीने छे छे महीने लग जाते हैं पर मैं कमाल उन्होंने तो खास करके साढ़े भाई रजिंदर सिंह जी मिनट पांच लगाते कद के आप साहब नाम सिंह आया फिर दात क्यों दो गुरु संगत जी अज युग है कीर्तन का यह सब्जेक्ट औखा है बहुत वैसे पर अपने वर्ष तो बाद क्योंकि हूँ ऐसा ऐसा तैयार बच्चे कीर्तन कर रहे हैं ना तो असं कहने भी कमाल है बच्चे थोड़े मैं अपना बचपन याद आया मैं गल शुरू कर लगा सा गुरु संगत जी भी मैं 13 साल की मेरी उम्र सी 1900 मैं भी 1962 मैं पहली बार मैं भी संसार में सुनिया सी थोड़ी जी उन्हां दी छवि भी है तो जिस तरह आ बच्ची बैठी है भाई संदीप सिंह जी की गोदी च मैं अपने पिता जी की गोदी चिदा बैठता सी जमुना नगर संतपुरे मैं किना किना सुनिया भाई जसापाल जी भाई प्रतिपाल जी भाई मोहन बाल जी भाई दविंदर सिंह महिंदर सिंह जी आशा की बात नहीं लग सकता तू भाई दिलबाग सिंह गुलबाग सिंह भाई तरम सिंह जी जख्मी मैं इन्होंने सुनिया तो मेरे पिता जी और मैं सामने बिठाते होंगे सी तो साढ़े ताए जी सन भाई रजिंदर सिंह के पिता जी वो कहते भी सीखने वाले भी कुछ नहीं आता भी जे किसी क्योंकि जोड़ा कीर्तनी है वह रब रूप होंगे क्योंकि गाना शताना का काम नहीं होता मैं माफ करना शतान की गाई जाती गाना जोड़ा है दरवेशों का काम है कहते कि उस गाने वाले की उस कीर्तन करने वाले की
कितने निगाह बच्चे से पै गई तो फिर वह भी घट नहीं होना फिर गया कोई सतनाम सी। दुमन भाई साहब कह लगे भाई पाल जी बेटा जे कीर्तन करना है ना तो कीर्तन तो जरूरी नितनेम जरूर करना करके आपको सतनाम बाणी और बाणी गुरु संगत जी दो शब्द मैं आपके होर शब्द कराने क्योंकि संदीप सिंह जी भाई साहब जी कह रहे थे बेटे भाई हरनेक सिंह जी तुम्हें भी सुनना बेटा मैं भी सुनना हूँ सुन इन्हों पर गया तो गुरु कृपा कर बख्शिश कर रहमत कर तो आओ बड़े प्यार लाल क्योंकि मैं कुछ शब्द आप जी दे गुरु साहब लेना है उनके लिया हाँ क्योंकि असं भी कितों सुन के गा ली है कोई ऐसी गल नहीं पर असी गाईदा जो सा उपर भी होना गाईदा तो समझ लेना आप जी तो गुरु सीखने का यतन कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह मैं आप जी ने वचन किया कि गुरु कृपा करे जान तो सफर जिंदगी का पूरा होने तो पहले पहले इन्ना को पता लग जाए कि सुर से बस एनी कमा तो तुम मैं सीख बख्शिश करनी गुरु कृपा करनी महाराज इन्हों बच्चों पर भी सतगुरु कृपा करे वो पता नहीं कौन है मैं उन्होंने बुलाया मैं कहा उस्ताद जी कहते हाँ जी ये एना भी बनना महाराज गुरु कृपा करे साढ़े सारे के बच्चे एक मैं बेनती करा बस 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 गल कदम होगी करना है जी हूँ हर विभाग चिकने चिकने पात्र जी गुरु संगत जी एक मैं बेनती जरूर करूँगा राकेश कहना कितनी भी अपना प्रोफेशन नहीं छड़ना क्योंकि जिसनों बख्श ले मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे कई कहते भी यार मैं कहे काम च पै गया मैं कभी इसको वजिए काम कह उसका क्योंकि मैं पहला दूजे काम करता से सब ना दूजे काम तो मैं वह काम छड़ के कीर्तन कर लगे तो कई ने कीर्तन करके वो काम शुरू किया तो कई जी उन्होंने पूछते भी थोड़े को किन्ना क अज पैसा हो गया तो कहते भी है 1500 या 2000 करोड़ मैं कहते थोड़े को किन्ना मैं क्या मेरे तो कप च 1 लाख रुपया भी नहीं है पर जी दरगाह वाली कापी है वह बड़ी भरी हुई है आपको सब बच्चे बैठे ने एक सेहत तुम जरूर देनी है एक तो होमे तो बचना तो दूजा बच्चों एजुकेशन देनी है एजुकेशन देनी है आप घट कपड़ा पा लियो घट खा लियो पर बच्चा जो है घट तो घट IAS IPS तो घट ना हो पर वाजा भी ना देना है कि आपको सब टपला भी ना देना यह नहीं काम क्यों ये सानू विरसे च मिले अकाल पुरख ने बख्श के भेजे सी कि जिसनों बख्शना मेरे प्यारे सो जस तेरा गा है पढ़ लो जी साउथ हाल ने एक बार मैंने बुजुर्ग कह लगे इन्ह माया पे सी तो वह आए उन्होंने सारा माया लगी चुकन मैंने पहला खबर दे दी किसने कि बुजुर्ग जोड़े ना माया पैसे पूरे चुके गोल छुपा देंगे ने मैं क्या गुरु की गोल करा गए साड़ी गोल करा गए वो जो माया चुकन लगा तो मैं श्री साहब ने वाजे तो रख ली वे क्योंकि मैं तुम हूँ दो महापुरुखों का बचन किया भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी तो संत महापुरुख संत नाल सम्मान तो फिर आप झल तक यही झलनी है क्योंकि पहले संत आप सिपाही मैं बुजुर्गो फिक्र लगे हो क्या पैसे चुकने मैं कहा विह एक महीना तरी कहीं गोल चुपाने मैं कहा कहीं मैं कहते बथेरे पे ने कहता नहीं साड़ी मर्यादा फिर चुकने मैं क्या मेरी मर्यादा चुकन नहीं देने क्योंकि मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब का सपुत्र हाँ मैं तो मेरा गुरु गोबिंद सिंह साहब बापू जिन्हें कवि हंसराम मालो माल कर दिता से तो जो राजे ने भाई धारद ने घेर लिया ना देखा तो गुरु गोबिंद साहब कदम देखा नहीं मैंने भी नहीं कई ने देखा होगा तो कई कहते अच्छा आए कहते पौड़ा साहब वाला ठीक है कहते गल करते हैं देखे तो है नहीं कहते अब वेखा भी कि भज दौ साढ़े घेरे चो सुनिया घोड़ा पर्वत पार कर दिता उड के जाता तो पहाड़ तो पार कर दिता अब वेखा कि भजता घोड़ा वो आंसर आंदा गया बेचारा असं भी डरते हैं सामने कोई दबका मार दी साड़ी और तहत कुछ भी है ना उन्हें क्या मैं तुम गलत फहमी जा गए हो मैं गुरु गोबिंद सिंह नहीं मैं गुरु गोबिंद सिंह के घर का मंगता है मंगता कभी आंसरा मैं मेरा मैं गुरु घर का मंगता है तो पता उन्होंने की किया अगों कहते वाह कहते मंगत्या का हल देख लो कहता जे मंगते ऐदा दे तो गुरदाता कि होगा कचके आपको सतना फिर पाशाह बेनती करो पाशाह
जीबा वही रखी तो यह बिरती रवे एक कदों होगी जो नाम बंदगी होगी बस वह बड़ा जरूरी है। तो गुरु कृपालता कर बख्शिश कर आओ अगला शब्द आप शुरू करा दर्शन की मन आस के नहीं कोई ऐसा संत मोको प्रिय मिलावे उस तो बाद मैं शब्द जोहर का प्यारा है सो सपना का प्यारा वो पढ़ के फिर आपको विदा लवाना क्योंकि बच्चे ड्यूटी करते हैं मैं तो ड्यूटी नहीं करता क्योंकि मेरा ड्यूटी का टाइम लंघ गया बड़िया ड्यूटियां कीतियां बड़े बड़े तशद्दुद सहे मैं कहूँ तुम वेखो तो इस करके गुरु प्यारे तुम बैठे हो तो ड्यूटियां वाले होने नहीं बड़ा औखा होता है पर मुश्किलों के बीचों लग के तो आसानी के मुकाम तक पहुँचा जाता है। तो गुरु कृपालता कर बख्शिश कर और बड़े प्यारे शब्द करते
ਵਧੀਆ
भी ना हिंद लगे ने पटड़ी एक घंटा ला दी। मैं क्या बापू जी कहते चाहे हिंद भी लगी है पटड़ी भी लगी होर भी बड़ा कुछ लगा। मैं क्या जो सौखा है तुम गाण नहीं कहते भी गा के विखाओ, तेन सिर्फ इन्ना कहने भी एक घंटा मैं कीर्तन करना तो उन्होंने सुन के विखाओ। उस संगत तुम देखे हो गए दूजे लोग कलाकार उन्होंने जब नाल रखा होंगे टोके टोके गाद्या गाद्या गला सुन पर सू मनाइए पानी नहीं असी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मर्यादा है, क्योंकि जल क्योंकि सानू पाशाह ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने पाशाह ने प्रेम के सू जड़िया हुआ साड़ी तो मर्यादा है। असी जान तो दे सकते हैं अपने पर असी मर्यादा का वर्णन नहीं कर सकते। इस करके मैं क्या बापू जी ये काम सौखा नहीं है, यह जिंदगी लग जाएगी। तो गुरु संगत जी तो संगत काफ़ी चली गई है कि बहना बहना खाए यह जिदा बच्चे बैठे नहीं क्योंकि 13 साल में आप नहीं तो बजाया हर तरह तबला ढोल नाल सब बजाया और जो पिता जी के नाल छोटा जहाँ बस है उस्ताद जी की गल उस्ताद जी आस्ता पढ़ेगा बेटे गुरु कृपा कर जो योजा व्डिया दियाँ शतर शतर कृपा एक लफ्ज़ आता साढ़े कृपा ये कहते जो साडे से कृपा नहीं होंगी। मैं क्या जी कृपा उन्होंने लोगों से होंगी जो कृपा के पात्र बनते हैं जो कृपा के पात्र नहीं बनते उन्होंने कृपा नहीं होनी और जो अपने बड़े का आदर नहीं करते बच्चे मेरा आदर भी करते ना कभी होगी ये भाई साहब भी आदमी सुन सुन के आदर आदर करते हैं। तो कई बार मैं कितने बाहर अंदर जाना है तो बच्चे खड़े होते हैं वो साढ़े एक करो भी नाल होंगे नहीं वो कई बेचारे मेरे वैसे नहीं नेड़े लगते क्योंकि मेरी वैसे अमेर जी करा तुम वेख्या सोनी साहब ने पिछले प्रोग्राम से कुछ इदा हो गया से मैं क्या तुझा मेरी अमेर जी करा करती है। मैं क्या मेरी तरह है हैगा पर किस तरह क्या तरह कहते तो वह भले भी लेकिन बुरी तरह तो कई बार साड़ी कहती कहते भी बच्चे देख रहे लागी सिंह जी भी थोड़े को आम कर रहे हैं मैं फिर
ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਗਾ ਕੱਚੀਆਂ ਕੁਛ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਮਗਰ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਹੱਥ ਤੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਾਇਓ ਬਸ ਕਿ ਆਪਕੋ ਸਭ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਿਆਏਸ਼ ਉੱਧਰ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚਲ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹਰ ਘਰ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਰਾਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੇਖਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਦੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਰ ਅਨੂ ਅਨੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਬਗਾਵਤ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤਨੇ ਹਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭ ਨਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਵਿਭਿੰਨ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੂਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਸੱਤ ਸਿੰਘੀ ਮਸਕੀਰ ਦੱਸ ਜੂਦੇ ਹੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜੂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਆਪਕੋ ਸਭ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Yeah.
फिर पुलिस मस्त सब मनुष्य में मेरे वे थोड़े बच्चों सारे ने किनिया असीसा दिखाई होंगे वह मैं मुल नहीं कर सकता। बाणी पढ़ दी हो सकते जी माया असं होर थावों को भी लगे हैं पर जी थी माया है ना पैर मैं करोड़ों तोलन लगा ना तो करोड़ों की करंसी जीरो हो जाएगी है ना क्योंकि तुसा बाणी पढ़ के जी अमृत वेले उठ गए रियाज की बाणी पढ़ी नितनेम किए पातशाह भाई धर्म सिंह जी जगमी साहब जदों उन्होंने पुत्र के नाल भी वो बस वह भी कन्ना हाथ लवा दिता सैड से पातशाह भाई धर्म सिंह जगमी साहब जदों आसा की वार का कीर्तन करके आते सन कि जल पानी छक के कमरे चले जाना तो अंदरों कुंडी ला देनी तो फिर आसा के बाद बार नित नहीं मंगाएगा क्योंकि करके जान उन्ना टाइम नहीं होता पर पांच बाणियों का नित्य नहीं करके उन्होंने कीर्तन करना तो बीबी जी उन्होंने कहना कहते भी तीन घंटे कीर्तन करके आए आसा के बाद का हम कुंडी आगे अंदर आसा की बात शुरू कर ली आराम कर लो वो कहते एक दिन आराम नहीं कर लेना तो कहते भलिए रुके और जी उ आसा की बात करके आया ना मैं वो मेरी कीर्ति सी वो मैं संगत ने मत्था टेकिया तो मैं अपने लिए की कमाया जो ऐसा आत्मावं आदि ने ना वो सानू कुछ शिक्षा देकर जाते ने दिया कोई सब क्योंकि कापी में जितने पैसे होंगे ना गुरु संगत जी ब्याज उन्ना ही लगना है तो संत सुधार सिंह जी महाराज क्योंकि मैं उन्हें पिछले दहाकों जनवरी तुम शायद देखा हो अपनी फेसबुक से तो उन्होंने मैं दस उस कारण नवाजिया संत सुधार सिंह जी तो संत सुधार सिंह की गल करते सकते भले लोगो गुरु के कीर्तनी हो ये ज्यादा वस्तु चाहिए ज्यादा धन चाहिए ज्यादा शोभा चाहिए तो फिर थोड़ा नित्य नहीं भी बधाओ करके आपको सतना बस गुरु कृपा करें कोशिश करना चाहते बहुत बहुत धन्यवाद गुरु कृपा कर बख्शिश कर रहमत कर मैं बहुत मैं घबराता तो नहीं मैं वैसे क्योंकि डर के नहीं चाहिए जो थोड़े को तो तुसा कृपा की बख्शिश की वर्गिया बड़िया बड़िया रूह क्योंकि मैं जो सामने मनुख बैठा ना मैं कभी जीरो नहीं समझता हूँ क्योंकि जी किसी की चुप्पी होती है ना चुप्पी वह बहुत खतरनाक होती है एक चुप्पी एक बड़ा फेस टू फेस जो बंदा अख में ला के तुहाडे नाल बैठा ना सामने बस उस तो अलर्ट हो पता नहीं चुप्पी निकले और मेरे नाल बीतियां एक बार मैं काशीपुर गया जिस तरह बैठे ये लगते कुछ होने काशीपुर में गया पहले जमाने जो मैं कीर्तन नहीं सी करता तो मैं दूजे बंद ने कहते साहब जी आपको एक बच्चा सुनाते हैं इन्हें तो छोटी उम्र सी उदो पैर वाली पिटी लैंग वो आया वाजा बना मार लैके आए वाजा भी पैर शिकायत रही हूँ तो लभ देंगे उन्हें जो साह भरिया ना जी जो उन्हें अलंकार ही किया ना जी तो मेरा सब कुछ गवा था मैं कह इतनी चारी मैं बेटा उम्र की कितनी कहते जी इसकी उम्र अभी 9 साल की है कहते ऊपर पर्वत को मोटर से कहते इसको ऊपर पर्वतगार ने इसको आशीर्वाद देके भेजा और जो मैं काम करता सर वो मेरे सामने बैठा हुआ कोई हिल नहीं कोई जुड़ नहीं और जो बिचों चीज निकली मैं क्या मैं क्या तेन तो सिलेंडर कर देना चाहिए तो संगत जी जो गुरु की संगत है ना इस संगत को कहते हैं काम दे
और जी संगत के श्रोते बैठे हैं, कोई पता नहीं क्या रूह बैठी हो जिंदगी बदल जाए। तो गुरु कृपा का करम बख्शिश करो, रहमत कर, इतनी सेवा प्रदान करनी, रब रखा सतगुरु सारा की कृपा करे। फिर एक बार चरना कोट कोट नमन भाई साहब हरनेक सिंह जी और उनका परिवार जो है उनका तह दिलों शुक्र गुजार हाँ। और वो जी जो आ नहीं सके क्योंकि मेरे ना पिछले हफ्ते गल हुई तो मैं क्या मेरा समान लैके आए कोई, तो कहते समान तो थोड़ा लैके रखा हो बच्ची पर थोड़ी जी प्रॉब्लम हुई, मैं क्या चलो चंगा नहीं आए क्योंकि कहना प्रॉब्लम कहना थोड़े हालात नहीं ठीक। तो गुरु कृपा तक कर एक उस पर्वतकार के हुक्म के अंदर ही चल रहा है क्योंकि असं लोग भी रब ने भुल गए थे तो रब ने थोड़ा याद करा दिता भी मैं हैगा। तो गुरु कृपा तक कर बख्शिश कर एक अरदास होर जड़े उत्थे बार्डर से बैठे ने गुरु कृपा तक कर उन्होंने अरदास के सच्चे पातशाह ये धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद हो सको कृपा करनी बख्शिश करनी उन्होंने जी मेहनत है वह सब हो गए। गुरु कृपा तक कर बड़े बड़े चुके ये तो चीज़ा कुछ नहीं, गुरु कृपा तक कर बख्शिश कर आओ बड़े प्यार आनंद साहब का पाठ करके वो कर सकते।